तो अभी तक तो तुम्हें पता चल ही चुका है आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाला है एमसीयू में। तुम में से कोई इस चीज को नोटिस किया हो क्या? 2012 की एवेंजर्स फिल्म का मेन हीरो मल्टीवर्स सगा की ग्रेटेस्ट विलेन और लॉकी जो विलेन था वो भी मल्टीवर्स सर्वाइवर। वेल ये तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आता है आरडीजे जिसे हम सब ऐसा आयरन मैन जानते हैं वो कैसे डॉक्टर डूम को हम सबके सामने विजुअलाइज करेगा। दूसरे वर्ड में कहूँ तो मार्वल कैसे इस चीज को दिखाने वाला है। आई नो मार्वल को एक पावरफुल कैरेक्टर चाहिए था जो इस रोल को जान दे, इसलिए आरडीजे को लाया। उसके भी ऊपर आरडीजे ऐसा इंटेलिजेंट कैरेक्टर को अच्छा खासा पोर्ट्रेट कर सकता है, वो आप टोनी स्टार्क के रूप में देखो या फिर लुइस स्ट्रास के रूप में। हाउएवर मार्वल आरडीजे को कैसे अपने मल्टीवर्स सगा में मेन विलेन इंट्रोड्यूस कर सकता है वो जानने की कोशिश करते है। तो बुराओं में बचपन न देखते हुए लेट्स टॉक अबाउट जॉस बोर्डलिन को। तो याद ही होगा ज्यादातर लोग उनको मार्वल की केबल के रूप में जानता है। वही बंदा इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में एमसीयू की ग्रेटेस्ट विलेन बन के सामने आया था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था बिकॉज उनको पूरा ही सीजीआई में थानोस का लुक दिया गया था। सेम हमें ये भी पता है डॉक्टर डूम एके विक्टर वॉन डूम की शक्ल ठीक नहीं है, तो आरडीजे इस रोल को करता है भी तो सेम सीजीआई एंड प्रैक्टिकल मेकअप के थ्रू उन्हें ऐसा दिखाया जा सकता है। आई थिंक इससे ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रही तो एक सॉल्यूशन जो एकदम इजी वे में मार्वल हमें प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी आता है इनफेमस कॉमिक की स्टोरी जहां डॉक्टर डूम आयरन मैन बनी थी, विच मींस इसका उल्टा देखने मिलेगा मार्वल यूनिवर्स में जहां आयरन मैन डॉक्टर डूम बनेगा। उससे पहले इस क्वोट को सुनो, या तो तुम हीरो की मौत मरते हो या तब तक जिंदा रहते हो जब तक खुद एक विलन नहीं बन जाते। नहीं समझे? रुको जरा, स्ट्रेंज फ्यूचर देखने की बात कहा था करोड़ों आउटकम में से हम एक ही बार जीतेंगे, ये वही फ्यूचर था जहां टोनी एंड थानोस दोनों की मौत हुई थी। रुको और भी क्लियरली समझाता हूँ। अगर एवेंजर्स थानोस को डिफीट कर देता और टोनी जिंदा रहता तो वो पिम पार्टिकल को अपने आर्मर में अटैच कर लेता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक आर्मर में टाइम मशीन को अटैच कर लेता जो उसके लिए एक पर्सन भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज ऐसा आर्क रिएक्टर को जो ऐसा बना सकता है जो टाइम मशीन को इन्वेंट कर सकता है वो क्या आर्मर में टाइम मशीन को फिट नहीं कर सकता था? अगर ऐसा होता तो वो होल मल्टीवर्स का एक्सेस ले लेता। आयरन मैन नॉट ओनली एमसीयू की मोस्ट पावरफुल बीइंग होती बल्कि होल मल्टीवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग कहलाता जो आगे चल के कोई भी विलेन बन सकता था, लाइक सुपीरियर आयरन मैन या इस केस में मान सकते हैं डॉक्टर डूम। यू थिंक इट इज अमेजिंग? वेट, तुम्हें और एक बात सुनाता हूँ थानोस का, इसे सुनो। स्टॉक, तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ, ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला। थानोस का पर्सपेक्टिव से देखोगे तो नॉलेज के कारण ही वो दुनिया को सुधरने चला था। शायद टोनी भी इसी नॉलेज के कारण मल्टीवर्स को सुधरने की कोशिश करेगा, हालांकि उसकी मोटो सही होगा लेकिन तरीका गलत। और ये जो थ्योरी अभी कहा मैंने ये सीक्रेट टाइमलाइन की नहीं, यात्रा को अनदर टाइमलाइन में शायद ऐसा कुछ हुआ है जिस टाइमलाइन का आयरन मैन फ्यूचर में डॉक्टर डूम बना जो पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा। तीसरा पॉसिबिलिटी आता है अल्टीमेट कॉमिक की स्टोरी। अल्टीमेट कॉमिक की बिग बैडनेस द मेकर जो रीड रिचर्ड की इविल वेरिएंट, प्रोबेबली इधर एमसीयू भी टोनी स्टार्क को रीड रिचर्ड से रिप्लेस कर रहा है, यानी किसी दूसरे रियलिटी में टोनी स्टार्क कभी भी आयरन मैन बनी नहीं, वो इविल आयरन मैन बना जो खुद को डॉक्टर डूम कहलाता है, जिसके बाद अपना इविल मोटो को पूरा करने लगा। समहाउ उसे पिम पार्टिकल के थ्रू या कैसे भी मल्टीवर्स का एक्सेस मिला। और तो तुम्हें पता ही है डॉक्टर डूम क्या बवाल चीज है, वो ऐसा कोई काम नहीं है जो कर नहीं सकता। थोर की म्यूनिर उठाना हो या एवेंजर्स को किसी टाइमलाइन में फंसाना, पूरे मल्टीवर्स का गॉड बनना ही हो क्यों ना, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन कहलाता है, बिकॉज वो है मोनाकॉप लेटवेरिया जिसकी नाम से ही एवेंजर्स की पसीना आ जाए। उसको ना चाहिए कोई काउंसिल, ना चाहिए किसी टीम, वो खुद ही मल्टीवर्स को गांठ मार के रख सकता है। प्रॉब्लम आता है डॉक्टर डूम टाइटल की ओनर विक्टर वॉन डूम है, यानी विक्टर किसी आयरन मैन का वेरिएंट नहीं है, तो आरडीजे को एमसीयू किस तरह से सेटअप कर सकता है विक्टर वॉन डूम? देखो पहला वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है जहाँ की ना सीजीआई वाला या प्रैक्टिकल मेकअप के थ्रू फेस को छुपा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा टैलेंटेड एक्टर की फेस को ना छुपा के ऐसा दिखा सकता है कि ये आयरन मैन की कोई वेरिएंट है जो खुद को डॉक्टर डूम कहलाता है। मेरा दूसरा और तीसरा पॉसिबिलिटी के साथ काफी हद तक मिल सकता है। चौथा पॉसिबिलिटी आयरन मैन डीमोन इन आर्मर की स्टोरी से आता है जहाँ विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क की दोस्त थी, फिर डूम टोनी से जलने लगता है बिकॉज टोनी के पास सब कुछ था जो डूम के पास नहीं था। डेट इज द रीजन विक्टर खुद की कॉन्शियसनेस को टोनी के अंडर डाल देता है और टोनी की कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी में, जिससे स्टार्क की सारी चीजों के ऊपर उसका कंट्रोल आ गया। बाद में डॉक्टर डूम के अंदर रहने वाला टोनी की कॉन्शियसनेस आयरन मैन के बॉडी में रहने वाला डॉक्टर डूम की कॉन्शियसनेस को हरा देता है। हाउएवर ऐसा ही कुछ स्टोरी लाइन देखने मिल सकता है या और भी कुछ हो सकता है। देखो मल्टीवर्स सगा चल रहा है तो एनीथिंग कुड हैपन, हमारा दिमाग से भी पड़े है जो हम सोच सकते हैं
लिए वो शायद हो भी सकते या नहीं भी, तो हम सिर्फ अभी थ्योरी लगा सकते हैं। भाई तो भी और एक क्वेश्चन आता है, कहाँ है कैंग की भारत? इतना धासु पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद ऐसे ही क्या गायब कर देगा? मैं आपको जोनाथन मेजर की कांड नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपको पता तो है मार्वल कैंग को रिकास्ट कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम आ गया एंटमैन क्वांटमेनिया की पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां सारे कैंग की वेरिएंट की शक्ल सेम था। तो इधर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, जहां एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे की आयरन मैन सॉरी डॉक्टर डूम की जब एंट्री होगा उस टाइम ये रिवील हो, या मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखा सकता है कि डूम खुद ही पूरे काउंसिल ऑफ कैंग को मार रहा है या मार चुका है, जिससे जिनको पता नहीं डूम क्या खतरनाक माल है वो सब भी जान जाएगा डूम की पावर का लेवल, और इस तरह से कैंग को परफेक्ट एंडिंग दे सकता है। हाउएवर मैंने कॉमिक कॉन की इस वीडियो में भी कहा था, फिर भी कह रहा हूँ, क्या आरडीजे की डॉक्टर डूम का मौत होगी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन के हाथ में? जस्ट इमेजिन, स्पाइडरमैन जो टोनी स्टार्क को अपना फादर फिगर मानता था, वही वेरिएंट ऑफ मल्टीवर्स का ग्रेटेस्ट विलेन। इन दोनों की फेस अप जब होगा पीटर तो इमोशन हो ही जाएगा, लेकिन डूम जिसकी शक्ल टोनी स्टार्क से मिलता है वो तो इससे मारने लगेगा। दिस सीन मार्वेलस, जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो भाई। और एक आइकॉनिक सीन में देखना चाहता हूँ, थैनोस वर्सेस डूम। इमेजिन करो इस बार थैनोस के सामने आयरन मैन का वेरिएंट डॉक्टर डूम होगा, जो एक ही हाथ में थैनोस को मार देगा। व्हाट द फक हैपेंड, दिस सीन जस्ट भाई नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। वेल, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी है जो मार्वल ले सकता है, या आपके दिमाग में कोई पॉसिबिलिटी आ रहा है तो वह कमेंट में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में, तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।